सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो सोशल साइंस का जो हमारा कोर्स है उसका जो है वो फास्ट या कह सकते हैं सुपर फास्ट रिवीजन, क्योंकि हम काफ़ी जो है कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के अंतिम समय में यानी कि कह सकते हैं एग्ज़ाम आप जैसे कल देने जा रहे हैं तो उसे अगर एक दिन पहले या एग्ज़ाम से एक घंटा पहले भी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा जो है वो कोर्स रिवाइज जो है वो हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे और बाकी चीज़ें हम इसके आगे आने वाला जो पार्ट होगा उसमें जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो संस्थापक जो है उसका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके गुरु का नाम जो है वो चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका जो युद्ध है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकेटर के साथ काफ़ी बार युद्ध पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस निकेटर हैं इन दोनों के बीच जो है वो 4 संधियां भी हुई थी। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो गुरु था उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य को जो है वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की सबसे फेमस जो रचना है वो अर्थशास्त्र है, काफ़ी बार जो है वो ये पूछी भी गई है। बात करें इसके आगे जो 4 संधि हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, उनमें से जो सबसे प्रमुख थी वो ये थी कि जो मेगस्थनीज जो है वो उस समय का कह सकते हैं राजदूत था, वो जो है उस समय सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, परंतु संधि के तहत ये हुआ कि वो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाए। मेगस्थनीज की सबसे फेमस पुस्तक जो है वो इंडिका थी, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा शासक आया हमारा बिंदुसार, जिसका टाइम पीरियड था 298 ईस्वी। इसी को जो है वो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात हम कहते हैं शत्रुओं का संहारक, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बारे में यानी कि बिंदुसार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी इसकी धार्मिक प्रवृत्ति। जैसे कि आपके पास डायरेक्ट पूछ लिया गया बिंदुसार के बारे में लिखिए, तो धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर आपको अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो जो है आप कुछ पॉइंट्स जो है अपने आधार पर लिख सकते हैं। बात करते हैं उसके बाद जो आया वो था अशोक। अशोक के बारे में बात करें तो इसने 3 वर्षों में टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है वो करवाया था। और यदि पूछा जाए कहाँ करवाया था तो वो जो है वो सारनाथ वाराणसी में जो आता है उसमें जो है वो करवाया था। अशोक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कलिंग युद्ध, जो कि हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपको अगर 261 ईसा पूर्व भूल जा रहे हैं तो एक चीज़ ये भी आप याद रख सकते हैं कि अशोक का जो शासनकाल था उसके 13वें वर्ष में जो है ये जो कलिंग का युद्ध था वो हुआ था। बात करें अशोक के परिवार के विषय में तो पुत्र जो है उसका नाम था महेंद्र और जो पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। और इसी ने यानी कि अशोक ने जो है अपने पुत्र और पुत्री जो हैं इनको श्रीलंका भी जो है वो भेजा था, जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि ये जो कलिंग युद्ध था इसमें काफ़ी भीषण रक्तपात हुआ था तो उससे जो है काफ़ी प्रभावित हुआ था अशोक। इसलिए उसने जो है जो युद्ध वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत में शिलालेख की बात करें तो उसका जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम इसी अशोक के शासनकाल में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए टोटल शिलालेख हैं कितने तो ये जो है वो 14 शिलालेख हैं। स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख जो है वो टोटल 7 हैं, जिन 7 में से जो 7वां है वो सबसे लंबा जो है वो स्तंभ लेख है। इसके अलावा बात करें प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है तो वो जो है वो ग्राम है। इसके अलावा जो अशोक हैं उसके जो नियम और जो सिद्धांत हैं वो जो है वो धम्म के नाम से जाने जाते हैं।
अशोक के नियम और सिद्धांत। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है, ये काफ़ी बार बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है, तो वो जो है वो बृहद्रथ था। काफ़ी लोग जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या अशोक था? तो अशोक जो है वो अंतिम शासक नहीं था, ये जो है वो बृहद्रथ था। इन सभी के बारे में हम पूरा जो है वो डिटेल में जो है ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पूरा हमने सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो ऑलरेडी कम्प्लीट करा दिया है। अगर वो आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के सभी पेपर या जो हमारे इंपॉर्टेंट अति लघु हैं या इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं, तो आपको जो है केवल इतना करना है, YouTube पर सर्च करना है बालाजी स्टडी अड्डा सेकंड सेमेस्टर कोर्स। जैसे कि आपको कुछ भी चीज पर्टिकुलर सर्च करनी है तो आप उस टाइप से भी सर्च कर सकते हैं कि बालाजी स्टडी अड्डा, और आगे आपको जैसे कि सेकंड सेमेस्टर का 2016 के पेपर चाहिए तो सेकंड सेमेस्टर 2016 क्वेश्चन पेपर, इस टाइप से आप सर्च करेंगे तो आपको सभी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको ढूंढने में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइएगा, मैं आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो एक ही मैसेज में दे दूंगा। चलिए बात करते हैं अब गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो बात करें गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो जो है वो प्राकृत थी। बात करें जो गुप्त साम्राज्य है इसमें काफ़ी विकास हुआ था, जो हमारा साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इसमें जैसे कि कालिदास वगैरह थे, इसलिए जो है इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में जाते हैं, चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो तो कहीं जो है इसके संस्थापक के रूप में नहीं थे। तो बात करें संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त थे, परंतु जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्हें कह सकते हैं आप वास्तविक संस्थापक के रूप में, या कह सकते हैं प्रथम महान शासक के रूप में। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे ये ऐसे पहले राजा थे जिन्हें महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जो ये गुप्त संवत लिखा है ये काफ़ी बार पूछा जाता है, गुप्त संवत की जो स्टार्टिंग है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाई थी 319 ईस्वी में। देखिए टाइम भी जरूर याद रखिएगा, गुप्त संवत काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है, या भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। और जो समुद्रगुप्त है इसके बारे में जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से जो है वो मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक कह सकते हैं अभिलेख टाइप के जैसे होते हैं वही होते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति के अगर लेखक की बात करें तो वो जो है वो हरिषेण ने लिखी थी। और हरिषेण आखिर था कौन, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, तो हरिषेण जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसके बाद बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके समय में चीनी यात्री जो है वो फायान आया था, और इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसने जो है वो शकों पर विजय जो है वो प्राप्त की थी। इसका जो बड़ा भाई था उसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया था, तो उसी का जो है बदला जो है वो इसने लिया था, और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है इसने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे या चलवाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं संस्कृत कवि के रूप में जाने जाते हैं कालिदास जो है ये थे। आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जा सकता है जो कालिदास हैं वो किस के दरबार में जो है वो कवि थे, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। इसके बाद बात करें कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इन्होंने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद बात करें स्कंदगुप्त के बारे में, तो स्कंदगुप्त जो है इन्होंने सुदर्शन जो झील थी उसका पुनरुद्धार जो है वो करवाया था, या कहीं कहीं आपको पुनर्निर्माण भी जो है वो देखने को लिखा मिलता है। स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि हूणों का आक्रमण जो है वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। देखिए कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि कुमारगुप्त जो है इनके टाइम में हूणों का आक्रमण जो है वो हुआ था, परंतु जो विफल है वो स्कंदगुप्त ने जो है वो कर दिया था। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट यही देखने को मिलता है कि हूणों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के टाइम में ही हुआ था। देखिए आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि हूणों का जो आक्रमण है वो कुमारगुप्त के टाइम में हुआ या स्कंदगुप्त के टाइम में। बात करते हैं आगे बात करें तो कुछ थोड़ा साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो भानुगुप्त जो है उसका जो एरण अभिलेख है उसके कारण, या कह सकते हैं उससे जो है हमें पहली बार किसी स्त्री के सती होने का जो है वो प्रमाण जो है वो मिलता है। तो भानुगुप्त का जो है वो एरण अभिलेख था। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है एरण अभिलेख जो है वो किसका था।
इसके बाद बात करें अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या, तो ये जो है वो टोटल 29 गुफाएं थी, कहीं कहीं आपको इनकी संख्या 30 भी देखने को मिलती है। इन 29 गुफाओं में जो है अब शेष जो है वो काफ़ी कम जो है वो बची हुई हैं। इसके अलावा आयुर्वेदाचार्य के रूप में जो है वो धन्वंतरी जो है वो इसी गुप्त काल में थे, राजवैद्य के रूप में जो है वो चरक थे, विष्णु शर्मा जो है उन्होंने पंचतंत्र जो है काफ़ी फेमस है संस्कृत का उसको लिखा था। इसके अलावा आर्यभट्ट जो है उन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक जो है वो ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा जो दशा अवतार मंदिर है काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ है, तो ये जो है वो देवगढ़ झांसी जो कि यूपी में आता है उसमें स्थित है, ये भी जो है हमारा गुप्त काल से ही रिलेटेड है। और लास्ट हमारा भीतर गांव मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है, ये भी हमारा इसी गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। तो ये हमारा टोटल जो है वो गुप्तकाल समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद जो हमारा आया था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसके अलावा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर मैंने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए ये वीडियो क्रिएट करने में। तो बात करें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक की, तो वो जो हैं वो पुष्यभूति थे। देखिए पुष्यभूति जो है संस्थापक थे, काफ़ी लोग जो है हर्षवर्धन का नाम ज़्यादा फेमस जानते हैं तो हर्षवर्धन ही को पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक समझ लेते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा, संस्थापक जो है वो पुष्यभूति थे। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है इनकी थानेश्वर थी। इसके बाद बात करें प्रभाकर वर्धन की, तो प्रभाकर जो वर्धन है इसको उपाधि मिली थी परम भट्टारक की, या कह सकते हैं महाराजाधिराज की, तो ये दो उपाधि जो है वो प्रभाकर वर्धन को मिली थी। प्रभाकर वर्धन के बारे में बात करें तो इसका एक राज्यवर्धन पुत्र था और एक हर्षवर्धन पुत्र था और एक पुत्री थी राजश्री, यानी कि टोटल दो पुत्र और एक पुत्री जो है वो थी। और प्रभाकर वर्धन जो है इसकी पत्नी का नाम यशोमती था, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए राज्यवर्धन राजश्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो इसे जो है वो शिलादित्य के नाम से भी, या कह सकते हैं शिलादित्य की उपाधि भी मिली थी। और जो राजश्री है इसका जो विवाह है वो किससे हुआ था, ग्रह वर्मन से, जो कि कन्नौज का जो है वो मौखरी शासक था। बात करें हर्षवर्धन के बारे में आगे, तो 606 ईस्वी में जो है ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। मैंने ऊपर जो है राजधानी आपको बताई, तो ये जो है वो 606 ईस्वी में जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। इसके टाइम में चीनी यात्री कौन आया था, ह्वेन सांग। मैंने इससे पहले आपको बताया फाहयान आया था, तो डायरेक्ट आपसे इसी टाइप से पूछ लिया था कि फाहयान किसके दरबार में आया था, ह्वेन सांग किसके दरबार में चीनी यात्री आया था, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके जो तीन ग्रंथ हैं वो काफ़ी फेमस हैं, एक हमारा प्रियदर्शिका, एक हमारा रत्नावली और एक हमारा नागानंद, ये जो है वो संस्कृत के सभी ग्रंथ हैं। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसे हरा दिया था, ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी जो डिटेल में बात की थी वहाँ हमने आपको बताया भी था, तो केवल आप इतना याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब बात करते हैं हम आगे, जो हमारा अगला है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी, जो मैं बताऊंगा केवल उतना जो है वो याद रखना है। सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु थे। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो कांची थी। बात करें इसके अलावा जो किरातुर्जुनियम है उसके लेखक जो हैं वो भारवी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ये जो है वो इसी सिंह विष्णु जो है उसके दरबार में रहते थे। इनके शासकों के बारे में बात करें तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम था इसको जो है वो पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य नरेश था उसने जो है वो हरा दिया था। किसको हरा दिया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को। फिर उसके बाद जो हमारा अगला शासक आया उसका नाम क्या था, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया, जो अपने पिता को हरा दिया था महेंद्र वर्मन प्रथम को, उसका जो है वो बदला लिया और इस जो पुलकेशिन द्वितीय था उसको जो है वो हरा दिया। तो हम कह सकते हैं अपने पिता का जो है वो बदला लिया। और इसी वातापी कोंड की उपाधि इसे यहीं से जो है, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम को जो है यहीं से मिली थी पुलकेशिन द्वितीय को हराने पर। इसके अलावा जो मत विलास प्रहसन है उसकी रचना जो है वो महेंद्र वर्मन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और जो पल्लव वंश है उसका जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था। इसके अलावा पूछा जाता है काफ़ी बार जो रथ मंदिर हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है, तो टोटल जो है वो 7 जो है वो संख्या है और इसका जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। और
कांची के कैलाशनाथ मंदिर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया गया था इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम जो मैंने ऊपर बताया वो अलग है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है वो अलग है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है वो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये हमारा जो यूपी टेट का पेपर हुआ था इससे पहले वाले ईयर में, यानी कि सन 2018 में, वहाँ पर पूछा गया था प्रश्न इसी बीटीसी के लेवल से। तो देखिए काफ़ी ना कहीं आप देखेंगे बीटीसी से ही आपके प्रश्न जो है वो उठते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर की कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है वो नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है वो करवाया था। तो इतना ही हमारा। अब दक्षिण भारत के राजवंश में हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। राजधानी जो है वो मनकिर या मानिकखेत थी। प्रमुख जो शासक हैं उन सभी की बात हम नहीं करेंगे, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर है वो हमारा कौन सा है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। मैंने आपको ऊपर बताया कांची का कैलाशनाथ मंदिर अलग है और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर अलग है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था, और ऊपर जो हमारा आया था कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है वो करवाया था। काफ़ी बार लोग जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें कच्चालु के वंश जो कि कल्याणी के हैं, उसकी स्थापना जो है वो तैलप द्वितीय ने करवाई थी। राजधानी क्या थी? मानिकखेत। आपको केवल मेन मेन चीज़ें ही याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में आप याद रखेंगे तो जो है वो भूल जाएंगे। तो राजधानी क्या थी? मानिकखेत। और स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? तैलप द्वितीय ने। और एक रचना काफ़ी फेमस है वो भी आप साथ में याद रखिएगा, विक्रमांक देवचरित जो है उसकी रचना जो है वो विल्हड़ ने करवाई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं चालुक्य वंश जो कि वातापी के हैं। ऊपर हमने देखे जो चालुक्य वंश थे वो कहाँ के थे? कल्याणी के। तो वातापी के चालुक्य की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? जयसिंह ने करवाई थी, परंतु वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है वो पुलकेसिन प्रथम को जो है वो जाना जाता है। और जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो जो है वो पुलकेसिन द्वितीय को जाना जाता है, और इसी ने जो है, यानी कि पुलकेसिन द्वितीय जो है, इसी ने जो है वो मेगुती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और मैंने अभी आपको बताया कि जो हर्षवर्धन है उसको किसने हराया था? पुलकेसिन द्वितीय ने। मैंने अभी बताया भी था इससे पहले कि पुलकेसिन द्वितीय ने जो है वो हराया था, और यहाँ पर वही चीज़ देखिए लिखी भी हुई है कि हर्षवर्धन को हरा कर इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अभिलेख, जैसे कि मैंने एरड़ अभिलेख बताया था भानुगुप्त का था, इसी प्रकार एहोल अभिलेख जो है उसका संबंध जो है वो किससे है? पुलकेसिन द्वितीय से है। और लेखक जो है वो एहोल अभिलेख के कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो है वो एहोल अभिलेख के जो है वो लेखक हैं, और इसका संबंध पुलकेसिन द्वितीय से है। और एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो कौन सा? विरूपाक्ष महादेव मंदिर। विरूपाक्ष महादेव मंदिर जो है वो विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने जो है वो बनवाया था, और उसकी दूसरी जो पत्नी थी उसने त्रैलोक देवी ने जो है वो त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु मुख्य रूप से हमारा विरूपाक्ष महादेव मंदिर काफ़ी बार पूछा जाता है। और अंतिम राजा जो है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। बात करें चालुक्य वंश वेंगी के, तो इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, केवल इतना इम्पोर्टेंट है संस्थापक विष्णुवर्धन थे, और राजधानी जो है वो वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश थी। जो वेंगी के चालुक्य हैं इसी को राजधानी जो है वो आंध्र प्रदेश ही कहते हैं। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? विजयालय था। राजधानी की बात करें तो तंजौर या तंजावुर थी, और जो विजयालय है उसको नरकेसरी की उपाधि मिली थी। सबसे शक्तिशाली शासक बात करें चोल साम्राज्य का तो कौन था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है वो चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की वो ये कि राजराज जो प्रथम था इसके टाइम में तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का जो है वो शिव मंदिर बनवाया गया था, और इसी राजराजेश्वर मंदिर को वृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था इस चोल साम्राज्य का। बात करें आगे बात करें तो हमारा अब है सीमावर्ती जो राजवंश है उनका अभ्युदय, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में। दक्षिण भारत के राजवंश हमारे जितने थे वो ख़त्म हो गए,
पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। और जो गोपाल था वो जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा पाल वंश का जो सबसे महान शासक था उसका नाम क्या था? धर्मपाल। इसी धर्मपाल ने जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। याद रखिएगा, केवल मैं आपको मेन मेन ही चीज़ें बता रहा हूँ। संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर, सबसे महान शासक धर्मपाल, और इसी ने जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की थी। बात करते हैं इसके बाद हमारा सेन वंश। सेन वंश की बात करें, स्थापना इसकी सामंत सेन ने की थी। राजधानी जो है वो नदिया लखनौती थी। और इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? विजय सेन। बस, और एक आपको रचना इसमें याद रखनी है, तो गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं वो इसी सेन वंश से रिलेटेड हैं। सेन वंश से रिलेटेड जो है वो हैं। काफ़ी बार जो है ये रचना जो है वो पूछी जाती है, गीत गोविंद के लेखक जो है वो कौन है। तो आज के इस पार्ट में हमारे इतना ही था। आगे हम अगले इसके पार्ट में जो है इसके आगे के बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक वीडियो में हो जाएगा तो आपको जो है वो बोरियत महसूस होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।